वेलकम गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लिप्स कवर किए थे, तो आज का हमारा टॉपिक है आईब्रोज और हमारे कान, एयर। आईब्रोज और ईयर, आईब्रोज और ईयर, ठीक है। दो चीज हम इसमें कवर करने वाले, ज्यादा लंबा वीडियो में खींचने वाला नहीं हूँ, बहुत शॉर्टकट में आपको बहुत सीधे सिंपल से मैं दिखाऊंगा कि कैसे, चार चार एग्जाम्पल में आपको दिखाऊंगा, उस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है 25 डेज के लिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं ईयर्स की, कान के बारे में हम तो थोड़ा सा देखेंगे कि कान हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम छोटे बच्चे के कान कैसे होंगे वहां से चलते हैं, ठीक है। वहां पे अगर आप छोटा बच्चा है तो उसके कान हम लोग हमेशा ऐसे ड्रॉ करेंगे, बस यही करना है, ज्यादा कुछ इसमें ढूंढना नहीं है, सिंपल गोल बनाना है, ऐसे लाइन देनी है, बस खत्म। और थोड़ा फिर उसके बाद थोड़ा सा मिडल एज ऐसे हो गए, और फिर उसके बाद हम लोग जो थोड़े से ओल्ड एज पीपल होते हैं इनको उनके ऐसे करते हैं, और फिर उसके बाद ऐसे, ठीक है। और हम सेम चीज हम लड़कियों में भी करते हैं, यही सारे जो है कान के शेप होते हैं, ठीक है, थीके? बस इतना ही करना है आपको, बस बस, और बस इसमें डायमंड देना है, डायमंड दीजिए, जो भी आपको करना है, ठीक है। बहुत से बार क्या होता है ना कि हमारे हम लोग देखते हैं तो बहुत से बंदों के कान थोड़े से लंबे होते हैं या फिर थोड़े से ऊपर होते हैं, तब हम क्या करते हैं, कान को थोड़ा सा ऐसा बड़ा निकाल देते हैं, ठीक है, थीके? और ये लाइन हम लोग एक ही क्यों खींचते हैं, क्योंकि हमारे कान के अंदर एक लाइन दिखाई देती है हमें, तो वो बस वो लाइन वो ये दर्शाती है कि, ठीक है। तो हमें वो भी देखना है हमेशा कि किसी के कान थोड़े से लंबे है या ये वाला चीज लंबा है या फिर ये वाला चीज लंबा है, तो हमें वो हमेशा देखना है। तो हम लोग कार्टून में भी बनाओ तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, थीके? तो जैसे आपको बस नजर रखनी है कि कंफर्म करना है कि कान उसके कैसे है, ठीक है। तो कान के मैं ज्यादा कान पे मैं ज्यादा कुछ काम करने वाला हूं नहीं, सिंपल सी चीज है कान बनाना, एकदम सिंपल चीज, ठीक है। तो ऐसे ही होता है एयर, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है कान में, कह रहे थे ड्राइंग में कान इतने ही आते, या तो फिर सिंपल छोटे बच्चे के ऐसे है ना, ऐसे बस इतना ही करना है कान में, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं कान में बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं ज्यादा इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा, ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, सिंपल चीज है। उसके बाद हम बढ़ेंगे थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर, बस यही करना है कि आपको यही सब चीजें ना बस 5 दिन आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है 20 पेजेस की, ठीक है, 5 दिन 20 पेजेस, बस यही करना है, उससे ज्यादा कुछ करना है नहीं आपको। उसके बाद हम लोग आईब्रोज की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये ऊपर के आईब्रोज, ठीक है। देखिए छोटे बच्चे के जब हम लोग आईब्रोज, ठीक है, जब छोटे बच्चों के हम लोग आईब्रोज ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी लाइन देते हैं, बस बस ऐसे, ठीक है। जब थोड़ा सा बड़ा तो थोड़ा सा ऐसे करेंगे, और फिर कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है, और कभी कभी थोड़ा सा ऐसा भी होता है ना, तो ये सब चीजें आपकी कब सही होंगी ना, जब आप ड्राइंग करने जाओगे और आप अच्छे से देखोगे कि कैसे दिख रहा है वो, उसका शेप ऊपर जा रहा है ऐसे, के नीचे आ रहा है ना। अब लड़की के ड्रॉ कर रहे तो हम लोग ऐसे करेंगे है ना, किसी किसी के ऐसे भी होंगे पतले से है ना, तो कभी कभी हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला तो अलग अलग तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, बाकी आईब्रोज में कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है, लड़कियों के जरा से ज्यादा करके ना सामने वाला पोर्शन जो होता है ये वाला,
ये बड़ा होता है और यहाँ पे जब निकलता है वो छोटा होता है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देंगे और ऐसे यहाँ पे कम करेंगे, ठीक है, ये भी लड़के के परचून होते। देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो आईब्रोज में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, बस सिंपल इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। और कभी कभी हमें ज्यादा मोटे वाले भी ड्रॉ करने पड़ते हैं ना, वो तो आप जब ड्रॉ करोगे तो आपको जो आपका सामने आपका पर्सन जो होगा उसके आईब्रोज के हिसाब से आपको वो ड्रॉ करने हैं, किसी का बड़ा है किसी का पतला है, तो आप बाद में जब वो ड्रॉइंग करोगे तो आपको समझ में आएगा, वहां पे दिखेगा, तो आपको उस तरह से उसे ड्रॉ करना है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स मैं एक बार मेरे रेफरेंस देख लेता हूँ, रेफरेंस में आपको मैं हमेशा रेफरेंस देखना बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि हमें बहुत अच्छा सारा गाइड मिल जाता है वहां पे। इसमें देखो आईब्रोज कहीं पर हैं मेरे पास, शायद से मैंने आईब्रोज का पिक्चर नहीं लिया है एक भी, तो मैं देखो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, है ना, देखो सिंपल सिंपल से आईब्रोज है, ज्यादा नहीं है लेकिन इसमें भी है, देखो ये वाले देखो कैसे बना सकते हैं ऐसे ऐसे, है ना, इसको हम रिफाइन कर सकते हैं ऐसे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे, है ना। अभी इसको मैं यहाँ से दिखाऊँ तो ऐसे, है ना, इस तरह से हम लोग आईब्रोज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखियो ऐसे किया उसने, है ना, सिंपल सी चीज है, ज्यादा इसमें लंबा में वीडियो खींचने वाला हूं नहीं, ये बहुत इजी वाली चीज है, तो आप इसमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से चीजें हो सकती है पॉसिबल, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, आपको जितना और जितना स्पीड अप कर सकते हैं उसने स्पीड अप करिए, ठीक है। रेफरेंस हमेशा यूज कीजिए, विदाउट रेफरेंस ड्रॉ नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। कभी कभी हमेशा जो कोई बुढ़ा आदमी है अगर उसका एज ज्यादा है तो हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, है ना, ये भी आईब्रोज हो सकते हैं। तो ये आपको जब देखोगे, आप रेफरेंस देखोगे और तब ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा, तब तक नहीं आएगा आपको, है ना। तो रेफरेंस लीजिए, ड्रॉ कीजिए इसमें, ठीक है, 5 pages और 5 days 20 pages बस, उसके बाद आपको इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं, मैं गारंटी देता हूं इसकी कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, हो जाएगा। 100 pages कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं 100 pages, 100 pages में अगर आप नहीं कर पाओगे तो हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना, ठीक है। तो आज के बस वीडियो में इतना ही था, दो चीजें हमने कवर करी, एक हमने की हमारे कान जो कि ईयर, और दूसरी हमने कवर की हमारा आईब्रोज, ठीक है, ये दो चीजें हमें प्रैक्टिस करनी है 5 दिन और 20 pages, ठीक है। मैं ये इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे भी तो बढ़ना है, आगे जो हमारी चीजें हैं वो हमें दिखानी है कि इन सब चीजों का हम लोग हमारे जब कैरिकेचर फेस बनाते हैं उसमें हम कैसे इनपुट करेंगे, इसीलिए मैं आज के टॉपिक में मैंने दो चीजें ली और उसको कवर किया है, ठीक है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।